भाई क्या लग रहा है यार। हम पिछले 10 मिनट से सुंदर सुंदर घर देख के पता नहीं कौन सी गली में घुस रहे हैं। बाद में मैप में देख के पता चल रहा है कि इधर से नहीं वापस जाना है। फाइनली यहाँ से अपने को जैसलमेर फोर्ट दिखना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे ये रखी हुई है लाइटें जो रात को इसके ऊपर पड़ती है। हाँ क्यों एक्साइटेड हो रहा है भाई, तेरी बना ही नहीं रहा मैं। अपने नेक्स्ट ट्रिप है इस पहलवान के साथ। हो गए तैयार, ये अपनी बैग इसमें आएगी। क्या भाई बैग दिखाता हूँ मैं, सारा सामान तैयार कर लिया है, ये हमने सारा पैक कर लिया सिस्टम। तो अभी निकलेंगे कुछ देर में बस यहाँ से बीकानेर और उसके बाद में मिलते हैं जैसलमेर में। ओए ऊपर देख, मिलते हैं जैसलमेर। ये इसका प्लान था पहले का, पर ये सरकारी आदमी है, इसको हो गया काम, ये नहीं जा सकता। तो अपने इसको खूब चिढ़ाना है वीडियो डाल के। बाकी ये जयपुर जा रहा है हमको छोड़ के। हाँ वो सस्ता एंजॉय करने जा रहा है। ओके ऑटो ने कर ली गद्दारी, मेरे को पीछे बिठा दिया इतने सामान के साथ। प्राणी, हम जा रहे हैं बस स्टैंड। वाओ वाओ नाइस फैशन। अभी हम आ गए हैं बीकानेर और बस भैया पहुंच जाएंगे हम चलते चलते धीरे धीरे। तो अभी बस स्टैंड से लगभग 3.3 किलोमीटर दूर था रेलवे स्टेशन, तो लगभग 1 किलोमीटर तो आ गए हम दोनों। और वहाँ जाके वहीं पे एक धर्मशाला है जिसके आगे खाना मिलता है बहुत अच्छा। मैं पीछे एक दो बार आया हुआ हूँ तो वो ठीक लगा मेरे को, तो इसलिए मैंने सोचा वहीं पे खा लेते हैं। और ये मोटू को थोड़ी ज़्यादा ही भूख लगी हुई है। थोड़ी बहुत तो मेरे को भी लगी हुई है और इसको थोड़ी ख़तरनाक लगी हुई है। ये है लेक बीकानेर की, काफ़ी टाइम से इसमें, अभी तो बोटिंग बंद पड़ी है और आज तो ये है भी बिल्कुल खाली, इसमें पानी नहीं है, बहुत ही कम है। और ये इधर यहाँ से स्टार्ट है जूनागढ़ इस साइड में, और ये पता नहीं क्यों खाली छोड़ रखी है इन्होंने। ये भाई सोचा था कि जूनागढ़ रात में पता नहीं कितने सुंदर लगता होगा, और ये इतना सुंदर लगता है कि लगता ही नहीं यहाँ पे कुछ है। भाई यार बीकानेर वालों कुछ लाइट वाइट लगा लो यार। क्या है यार कुछ नहीं है यार, अभी एक भी लाइट नहीं है भाई, एक भी। क्या यार हम दोनों भी कर्नाटक के आ गए हैं रेलवे स्टेशन, यहाँ पे आके तसल्ली सी हो गई। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जैसा भी वो ये है ना ऐसा उस जूनागढ़ का हो, पर वहाँ पे तो उम्मीदों में पानी फिर गया। भाई ये होती है लाइटिंग, काश ये जूनागढ़ पे भी ऐसे ही कर देते कितना प्यारा लगता। और ये तो पीछे वाली साइड है, रेलवे स्टेशन का पिछला गेट है, मेन गेट तो उधर वाली साइड है, उधर तो हम जा नहीं पाएंगे। पर ये इधर से बहुत प्यारा लग रहा है भाई। भाई क्या लग रहा है यार। फाइनली हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म, हमारी लीलन एक्सप्रेस आ चुकी है जयपुर से जैसलमेर जाने के लिए। अरे मोटू किधर जा रहा है? अभी ये 11:30 चलेगी और अभी तो टाइम हुआ है 10:57, ब्रेक तब तक बैठे हैं भाई। ए भाई मोटू फंस गया मिडिल वाली में। मैं अभी मिडिल वाली में, टाइम हुआ है 11:14 और टिकट थी वेटिंग में, तो हमको जो मिला वही लेना पड़ा। अब नींद भी नहीं आएगी, बीच में फंसे हुए हैं। सचिन उठ जा। पहुंच गए हैं जैसलमेर। यहाँ भी सर्दी है पर कुछ लोगों को नहीं पता कि राजस्थान में भी इतनी सर्दी होती है। इस जैसलमेर का भी यहाँ से दिख रहा है फोर्ट, जूम करने की कोशिश करता हूँ।
देख लिया पे जैसलमेर रेलवे स्टेशन पटो भाई ये जैसलमेर की अपनी पहली चाय। वो एक बंदा मिला था रेलवे स्टेशन पे, वो लेके गया एक होटल पे हमें, और उसने बोला था किराया नहीं लूँगा, होटल पसंद आए तो रुक जाना वरना कोई बात नहीं। तो हमने भी सोचा ठीक है, होटल पसंद नहीं है हम आ गए यहाँ तक, और होटल में पसंद नहीं है, होटल में तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं उनका पैकेज पसंद नहीं है देखते हैं अब कोई अपने लायक जगह चलते हैं। फिर डेजर्ट में हम घूम रहे हैं यहाँ पे जैसलमेर की गलियों में, अपने यहाँ पे ढूंढ रहे हैं रूम, इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि दो दिन बाद है न्यू ईयर, तो एक तो लगभग सारे बुक है, दूसरा प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उसको सामान के पास छोड़ के आया हूँ और मैं इधर निकला हूँ, कोई एक धर्मशाला है उसमें देखने क्या पता मिल जाए। अभी इसके पास रूम तो एक भी नहीं मिला मेरे को, लेकिन एक हॉल था और वो भी लेडीज़ के लिए, हमें तो वो भी नसीब नहीं हुआ। अभी सचिन को वो बोल रहा है पहले पहले धर्मशाला वाला कि दिन में घूम लो और रात को आ जाना, मैं रात को रख लूँगा आपको, तो उसके पास देखते हैं क्या सिस्टम सेट बैठता है। अगर सामान रखने का सिस्टम हो गया ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिन में तो हमको वैसे ही घूमना है, तो दिन में तो हम क्या करते रूम का, मेन तो रात वाला था, रात को वो रख लूँगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। डेजर्ट में कुछ है क्या बढ़िया देखने लायक? देखने लायक है क्या कुछ बढ़िया? देखना है बस, रह लो। अच्छा वहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं? अच्छा नहीं जाओ तो अफसोस हो गए नहीं, बात तो गए तो आए क्यों? दो घंटे हैं, एक तो गए तो नहीं यार, वहाँ नहीं गए, और गए तो यार आए क्यों हैं यहाँ? यहाँ तो अच्छा होता। सही है, कड़ से है। आप कहाँ से अंकल? यहीं से लोकल तो अभी हम दोनों हो गए तैयार और निकल पड़े हैं जैसलमेर के मनोहर दृश्य देखने सुबह सुबह लालगढ़ होटल जा रहे हैं अपने फोर्ट, और उसके बाद में उसके आगे पट्टों की वैली वो देखेंगे। पहले फोर्ट देख ले, उसके बाद में आगे का सोचें क्या देखना है। आलसी इंसान। तो अभी पता नहीं है वो ओपन हो गया क्या, ये बोल तो रहे हैं ओपन है, 9 बजे ओपन हो जाता है, तो देखते हैं जाके देखते हैं कि 9 बजे ओपन हो। सचिन कुमार कैसा लगा ये घर? बहुत ही शानदार, मन कर गया रहने को यहाँ पे, इसमें रह ले तो इसमें रह उसमें नहीं रहने देंगे। जैसलमेर की गलियाँ सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, पर बहुत सुंदर लग रहे हैं भाई। सोप अब कौन सा घर है, कौन सा होटल है, कौन सी दुकान है, पता ही नहीं चल रहा सारे किले जैसे लग रहे हैं। वाह इधर एक ये गली है, इसमें पूरा एक जैसा है, अभी दिखाता हूँ आपको। सचिन इस गली को देख, ये तूने नोटिस नहीं किया, मैंने किया, इसका मतलब है तू अंधा है। ये देख हम पिछली 10 मिनट से सुंदर सुंदर घर देख के पता नहीं कौन सी गली में घुस रहे हैं, बाद में मैप में देख के पता चल रहा है कि इधर से नहीं वापिस जाना है बहुत घूम लिया यार इधर उधर, अभी चलते हैं क्योंकि यहाँ पे तो सारी गलियाँ एक दूसरे से खूबसूरत है, एक से बढ़कर एक है, तो ये तो पूरे जैसलमेर में तो घूम नहीं सकते ऐसे करके। 5G भी फोन तो कर दिया घरों के चक्कर में, घर आगे से आगे तो अभी चलते हैं किले की तरफ ही चलते हैं डायरेक्ट, ये आंखें ऐसे करके जाना पड़ेगा वरना तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा। ये है इतना खूबसूरत, ये देखो ईंट नहीं बनती है ये भाई, क्या गली है, पत्थरी पत्थर है। फाइनली यहाँ से अपने को जैसलमेर फोर्ट दिखना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे ये रखी हुई है लाइटें जो रात को इसके ऊपर पड़ती है। हाँ क्यों एक्साइटेड हो रहा है भाई, तेरी बना ही नहीं रहा मैं तो रात को भी आएंगे अपने ये सीन देखने, यहाँ पे लाइट लगाई है ना,
ये उसके ऊपर प्रोजेक्ट होती है। तो अभी ये पूरा घूम के जाना पड़ेगा, मेन गेट उधर है, तो लगभग 800-900 मीटर होगा ये। तो अभी जा रहे हैं उधर।